रजवाड़ों के गढ़ राजस्थान में विधानसभा चुनावों के लिए मतदान जारी। राज्य की कुल 200 में से 199 सीटों पर हो रहा है मतदान। रामगढ़ सीट पर बसपा प्रत्याशी के निधन के कारण चुनाव स्थगित कर दिया गया है। वोटिंग ईवीएम और वीवीपैट मशीनों से कराई जा रही है। कुल 2274 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। सीएम वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, सचिन पायलट समेत कई दिग्गजों ने डाला वोट। राज्य में सुबह 9 बजे तक 6.11% मतदान हुआ। कड़ी सुरक्षा के बीच तेलंगाना की कुल 119 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी। मतदान को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की 270 कंपनियों को तैनात किया गया है। नक्सल प्रभावित 13 सीटों को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा मतदान। तेलंगाना में सुबह 9 बजे तक 8.97% मतदान हुआ। ओवैसी समेत बड़े दिग्गजों ने डाला वोट। जेडीयू नेता शरद यादव द्वारा दिए गए बयान पर राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किया पलटवार। झलारापाटन में वोट डालने पहुंची वसुंधरा ने कहा कि इस बयान से वे स्तब्ध हैं। अगर इतने बड़े नेता अपनी वाणी पर संयम नहीं रख पाए तो काफी बुरा लगता है। शरद यादव ने जो कहा वह महिलाओं का अपमान है। 70 के करीब पहुंचा राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का दाम। ईंधन की कीमतों में संशोधन के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 40 पैसे कम होकर 70.92 रुपए हो गई है, तो वहीं डीजल 41 पैसे सस्ता होकर 65.55 रुपए प्रति लीटर पर है। गुरुवार को कारोबार में भारी गिरावट के बाद शुक्रवार को बाजार में देखी रिकवरी। शुक्रवार को सुबह 9:00 पर सेंसेक्स 136 अंकों की तेजी के साथ 35,448 पर और निफ्टी 32 अंकों की तेजी के साथ 10,630 के स्तर पर कर रहे हैं कारोबार।